तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपके दोस्त हम भी अच्छे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर का सब्जी अलग तरीके से। आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और देखते रहिए कैसे बनाते हैं पनीर का रेसिपी। मटर पनीर नहीं, केवल पनीर का रेसिपी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 450 ग्राम पनीर है, इलायची है, लौंग 4-5 लौंग, यहाँ पे एक बड़े साइज का टमाटर, एक बड़े साइज का है ये प्याज और एक छोटे साइज का प्याज। इसको हम फोरन में डालेंगे और इसको इससे मसाला बनाएंगे। चलिए बनाते हैं पनीर का सब्जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं पनीर का सब्जी बनाना। पहले इसको पनीर को छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। चलिए शुरू करते हैं पनीर का सब्जी बनाना। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीस में पनीर काट लिया, इतने छोटे छोटे पीस में काटा है। आपको अगर बड़ा पीस चाहिए तो आप बड़े काट सकते हैं। और मैंने इधर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए हैं और थोड़ा सा कढ़ाई गर्म होगा तो इसमें तेल डालेंगे, फिर इस सारे मसाला को भूनेंगे। और हाँ, रीतना पनीर आप अलग से बचा के रखिएगा क्योंकि ऊपर से मीन्स के ऊपर पड़ेगा ऊपर से। इसका चाहिए, इसको भूनना नहीं है, इसको तलना है और इसको नहीं तलना है। चलिए तब तक मसाला भूनते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो मेरा तेल हो गया है गर्म, अभी चलिए डालते हैं मसाला भूनने के लिए। एक है मेरा 450 ग्राम पनीर है तो उस हिसाब से मैंने एक बड़े साइज का यहाँ पर ले लिया है प्याज। पहले हम डाल देंगे, इसमें डालिए 2 हरा मिर्च और 1 से 2 सूखा मिर्च। इसको पीसते हैं। मैंने ले लिया 2 सूखे मिर्च, 2 हरा मिर्च, कुछ कली इलायची, लहसुन 4 से 5 लौंग, 4 इलायची, 1 बड़े साइज का प्याज, 1 बड़े साइज का टमाटर और जीरा, सभी को एक साथ इसमें डालेंगे। सभी को एक साथ डाल दिया और इसको हल्के ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। देख सकते हैं मेरा मसाला भून गया है। ज़्यादा नहीं भूनना है आपको, बस इतना सॉफ्ट होने तक भूनना है जब तक ये ठंडा हो रहा है। ठंडा होने के बाद आप मिक्सी में इसको पीस लीजिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है तो मैंने इसे तेल डाल दिया है पनीर फ्राई करने के लिए। अगर आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और आपको ज़रूर टेस्ट अच्छा लगेगा। ये इस रेसिपी से आप बनाइएगा तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर पनीर का रेसिपी आपको पसंद आएगा तो आप ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप आप कहीं मत करिएगा। अगर हमारा पनीर आपको इस रेसिपी को इस ढंग से बनाएगा तो ज़रूर आपको टेस्टी लगेगा। चलिए जब तक तेल गर्म हो गया हम अपना पनीर को फ्राई करते हैं। जब तक इधर मसाला भी ठंडा हो रहा है, ठंडा होने के बाद इसको हम पीस लेंगे जार में। तब तक चलिए इधर हम करते हैं अपना पनीर फ्राई। देख सकते हैं यहाँ पे पनीर भून गया है मेरा, फ्राई हो गया है। इसको ज़्यादा डीप नहीं फ्राई करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। देखिए कितना सॉफ्ट है। ज़्यादा फ्राई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा चिमज। तो इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, डीप ज़्यादा लाल नहीं करना है, इतना पर ही रखना है इसको। देखिए कितना सॉफ्ट है, खाने में और सॉफ्ट लगेगा और टेस्टी लगेगा। ज़्यादा आप फ्राई मत करिए, ज़्यादा फ्राई कर देने पर ये हो जाएगा टाइट। टाइट हो जाने पर अच्छा नहीं लगता है, फिर इतना सॉफ्ट होना चाहिए। ये हमारा मसाला भी देखिए ठंडा हो गया है। चलिए इसको जार में डाल के पीस लेते हैं मसाला को। पानी मत डालिएगा इसको, बस ऐसे ही पीसना है, पानी थोड़ा सा भी नहीं डालना है, बिन पानी का ही पीसना है क्योंकि इसमें तेल है तो ऐसे भी पीस जाएगा। भुना हुआ है तो पानी नहीं डालना है इसको, बस ऐसे ही पीसना है। चलिए पीसते हैं मसाले को। देख सकते हैं पूरा पनीर हो गया है तैयार और इधर मेरा मसाला भी रेडी है। देखिए कितना
अच्छा कलर आया है मसाले में। तो मसाला भी तैयार हो गया। आज ज़्यादा तेल नहीं डालना है आपको। अब हम डालेंगे इसमें, फ़ौरन डालेंगे, तो इसमें आपको ज़्यादा तेल नहीं डालना है, क्योंकि पनीर में भी आपका तेल और मसाले में भी तेल है। इसमें आपको ज़्यादा तेल डालना नहीं है। अभी फ़ौरन में हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, दो तेज़पत्ता और एक सूखा मिर्चा। दो उसमें डाले थे, एक फ़ौरन में डालिए। चाट मसाला नहीं है बेटा। जीरा और मिर्चा, तेज़पत्ता फ़ौरन में डालने के बाद, एक मिनट के बाद इसको डाल दीजिएगा प्याज को। प्याज हल्का भुनने दीजिए, वरुण थोड़ा सा हल्का भुनाएगा प्याज, तब जाएगा इसमें मसाला। देखिए यहाँ पे हो गया है प्याज फ्राई, और इसमें डाल देते हैं ये मसाला जो हमने पीसा था, मसाला को वो डाल देते हैं। कर देते हैं थोड़ा सा धीमा आँच। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और ये जो बाकी का मसाला बचा है, जार मिक्स जार में थोड़ा सा पानी डाल के और मसाला को इसमें मिक्स कर लीजिए। देख सकते हैं मसाला हमारा अभी भुनाएगा। अच्छा तो अभी मसाला इसमें जाएगा एक चम्मच अब कम। ये है आपका मटर पनीर मसाला, मिक्स मसाला है। इसमें से आपका जाएगा फुल चम्मच मसाला डालिए, थोड़ा सा और आधा चम्मच और फिर आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग मसाला, किचन किंग मसाला और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर, सभी को आपस में मिक्स कर लीजिए। थोड़ी देर इसको भूनने दिया। अभी जाएगा इसमें, अब जाएगा हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, अपने स्वाद अनुसार नमक, इसमें छोड़ देगा तेल, तब हम इसमें डालेंगे पनीर और पानी। देख सकते हैं यहाँ पे मसाला तैयार हो गया है, चारों तरफ से तेल छोड़ दिया है। उसमें हम डालते हैं पानी। आप अपने पानी का क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालिए। तो हम डाल दिए पानी, देख सकते हैं सब पानी में आ गया है उबाल। अब हम डाल देंगे पनीर। डाल दिए पनीर। अब इस पे से जाएगा थोड़ा सा कटा हरा धनिया, बारीक कटा हुआ हरा धनिया।
अब मैंने पहले से पनीर को मैश करके रख लिया है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। अब ऊपर से ये जाएगा थोड़ा सा, सकते हैं सब्जी का कलर कितना टेस्टी, कितना अच्छा आया हुआ है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। ये से इस रेसिपी से आप बनाइएगा तो आई होप आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी इसमें आ गया है उबाल, अब हम बंद करेंगे गैस को, बंद कर दें। हमारा पनीर का सब्जी बन के हो गया है तैयार। अगर आपको ये हमारा पनीर का सब्जी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप इस रेसिपी से बनाइएगा तो आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए तब तक के लिए आपको बाय बाय, एंजॉय करिए, गुड नाइट। फिर मिलते हैं आपको एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।